Hello and what's up wonderful people, welcome back to the channel Explorer Fukre. My name is Kanav and you are watching Explorer Fukre. So, namaskar ji. So, this is the vlog of today. This is a little start in the evening, but this vlog I will tell you starting in the beginning. This is truly dedicated to my one and only, which in October my Banji ka janam hua. ये उनके लिए व्लॉग डेडिकेटेड है और थोड़ा शाम को स्टार्ट हो रहा है. पता नहीं क्यों यार आज मैं दोपहर को सो गया, ऐसे मैं सोता नहीं हूँ तो बाय चांस मेरी आंख लग गई और जब मैं उठा तो आगे ही 6 बज ही गए थे लगभग. तो अभी एकदम 6 बजे उठाऊँ तो ये वाला जो व्लॉग है ये ट्रूली डेडिकेटेड है मेरी छोटी सी बांजी को जिनका अभी ही 5 अक्टूबर को जन्म हुआ है. तो ये व्लॉग उनके लिए इसलिए डेडिकेटेड है क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि लॉन्ग रन में भी मतलब अगर हम रहें या ना रहें कोई पता नहीं होता, पर ये वीडियो अगर एक बार अपलोड हो जाएगी तो ये ज़रूर रहेगी ऊपर अगर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई. तो मे बी जब बांजी हमारी बड़ी हो जाएंगे और देखेंगे तो ट्रूली इंस्पायर फील करेंगे कि उनके लिए भी कुछ बनाया गया था. तो एक मिनट ज़रा डलवा लेते हैं पेट्रोल, फिर आपसे करते हैं बातें कंटिन्यू. तो पेट्रोल डलवा लिया, फाइनली जो हम बात कर रहे थे उस पर आ जाते हैं वापस क्योंकि आई डोंट वांट मेरे बांजा बांजी. सच्ची बात बताता हूँ, मैं किसी को भी नहीं, जो मेरे साथ अटैच होता है मैं किसी को नहीं चाहता कि वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बने और एक अच्छा इंसान बिल्कुल ना बने, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो इतना पढ़ लिख के बनता है आधा से ज़्यादा बेवकूफ़ हो जाता है और नेचर को पूरी तरह तबाह करने में लगा होता है. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नेचर के साथ क्या कर रहा है, मनी इशू नहीं है. इशू ये है कि आप अपनी लाइफ जीते कैसे हो. आप कितनों को भी देख लो आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनके चेहरे पे जितनी महंगी गाड़ी होगी वो क्या पता होती तगड़ी स्माइल हो या ना हो. तो ऐसा ना हो उसके लिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ. कुछ चीज़ें मुझे इस व्लॉग की काटनी भी पड़ेंगी क्योंकि मैं थोड़ा आवर में बोल जाऊँगा. और ये जो व्लॉग है ये सिंपल होने वाला है. प्लीज़ अगर आप भी इस टाइम पे बांजा या बांजी बने हैं कोरोना वायरस के टाइम में तो आप लोगों को भी एक अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं यार आप लोग कुछ करना चाहते हो अपने यंगस्टर्स जो आ रहे हैं उनके लिए. मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ इन चीज़ों के लिए. मे बी आई कैन सेट ए एग्जाम्पल एंड डू समथिंग ग्रेट कि वो जो जिसको देख के वो बोलें कि नहीं कि हम लोग भी ऐसा करना चाहते हैं. क्योंकि अभी मैं 22 ईयर्स का हूँ, मैंने अभी तक अपने यूथ में मैं जब से हूँ मैंने अभी तक किसी को ऐसा नहीं देखा है कि जिसको देख के मुझे ऐसा लगा हो, जो खासकर जम्मू में, क्योंकि मैं जम्मू से बाहर गया भी नहीं हूँ इतना. जम्मू में रह के मुझे ऐसा कभी नहीं किसी को देख के फील हुआ कि यार मुझे इसके जैसा बनना चाहिए, मुझे कभी फील नहीं हुआ क्योंकि नहीं मिला मैं किसी ऐसे को. मैं ये नहीं कह रहा है कि जम्मू में ऐसे लोग नहीं होंगे, पर क्योंकि मैं इतना निकलता नहीं हूँ, मैं इतना लोगों को जानता हूँ तो इस वजह से. और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि, क्योंकि एक पॉइंट होता है यार, एक पॉइंट होता है जब तक लाइफ चल रही है वो खाली घसीटते हुए नहीं चलनी चाहिए. एक लाइफ में एनर्जी होनी चाहिए. मैं मनी से लाइफ को कंपैरिजन नहीं करता, मैं देखता हूँ मतलब कुछ एनर्जी होनी चाहिए जिसको देख के लगे कि नहीं यार वाकई बंदा काम करता है, वैसी वाली फीलिंग होनी चाहिए और मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है. और मनी तो अभी के टाइम पे इम्पोर्टेंट कर दी हुई है कि जो पहले वाला टाइम था, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जब देवी पिंडी गया था तो उस टाइम पे वो जो वहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं ना वो कभी आपसे आके पैसे नहीं मांगेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वो कभी आपसे पैसे नहीं मांगेंगे और वो हमेशा सिर्फ खाने के लिए मांगेंगे. क्यों मैं आपको रीज़न भी सुना देता हूँ, क्योंकि पैसे वहाँ पे इतनी प्रायोरिटी नहीं है बच्चों के लिए. इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर आसपास की दुकानें हैं नहीं दूर दूर तक, तो मनी की वैल्यू ख़त्म हो जाती है. अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हमारे यहाँ पे हर जगह दुकानें हैं तो हमारे पास मनी की वैल्यू है तो बच्चे मनी मांगते हैं. ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है. देखो आप समझ, लॉजिक समझोगे तो देखो कितना तगड़ा लॉजिक है. तो बस इतना सा लॉजिक के लिए मनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और मनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है. और वैसे भी जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है बड़े बड़े लोगों की मनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ज्ञान से भर गया, पर ये बातें मेरे दिल से निकलती हैं और मैं एज ए नेचर में मैं ऐसा ही हूँ. और मैं चाहूँगा कि मेरे बांजा बांजी भी
ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएं, मुझे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उनके मार्क्स कितने आते हैं, और ये मार्क्स कुछ डिपेंड भी नहीं करते हैं, मैं सीधे बोलता हूँ, कुछ नहीं सिखाते ना, ये किसी काम के नहीं है। अभी जो चीज़ें मैं करता हूँ, मुझे नहीं लगता मैंने 11 से लेके नर्सरी से लेकर जो 12th तक पढ़ा हुआ है उसमें आज तक वो कहीं भी यूज़ हो रही हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से तो स्टडी सिस्टम बिल्कुल वर्थ वाइल नहीं है जो हमारा वाला है, बिल्कुल नहीं है। वी डोंट नो हाउ टू डील विद अवर इमोशंस, हार्डशिप्स, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है अपनी बॉडी पे, कुछ भी नहीं है। सच बात है, आपको भी पता होगा, आप लोग भी इतने बड़े हो गए हो, 12वीं तक आपने जो पढ़ा होगा वो आप कहाँ यूज़ करते हो। ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी जब हमारी पढ़ाई, तो उन्होंने तो सिर्फ क्लर्क तैयार करने थे जो उनके पैसे वो कर सकें, जो उनके पैसे काउंट करके रख सकें। तो अभी तक हमारे यहाँ पे क्लर्क ही बने जा रहे हैं, और लोग नहीं समझते हैं, पर क्यों, मेरे को थोड़ी देर पहले था कि नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम ये, फिर मैंने नोट किया कि हम ये सिर्फ क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे लोग ऐसे डील करते हैं, पुलिस ऑफिसर ऐसे करते हैं, तो आपका मन करता है कि नहीं मुझे भी बनना पड़ेगा अपनी फैमिली को सेव करने के लिए, वरना इसका कोई पॉइंट नहीं है। देखा जाए तो इसका पॉइंट कोई नहीं है, अगर कोई अपनी मर्जी से इसको बिना इन सब चीज़ों के करना चाहता है, मैं वो फील करूंगा कि वो सही है। बाकी ये जितने भी लोग सिर्फ ये किसी के गुस्सा होने की वजह से ये बनना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो जब वो बन भी जाएंगे ना, उनको वर्थ वाइल कभी फील नहीं होगा और ना कभी होगा, क्योंकि यार ह्यूमन नेचर है यार, आपको खुद भी पता होगा, ये जो चीज़ें आपके काम की नहीं है जब आपको मिल भी जाए ना आपके, वो किसी काम की नहीं रहती हैं। तो जो यही है मेरा रीज़न है कि जो मेरे भांजा भांजी हैं उनके लिए ये व्लॉग बनाया जा रहा है, सिर्फ भांजी हुई है, भांजे का भी डेट ऑफ बर्थ यही है, वो भी 20 अक्टूबर को पैदा हुआ है। तो बहुत सारे भांजा भांजी हैं मेरे, पर सबका याद नहीं रहता मुझे, और वैसे भी मेरी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा ही लूज़ है, मुझे किसी का भी याद नहीं रहता है। तो अभी ज़्यादा व्लॉग लंबा ना करते हुए मैं आपको सीधे मिलता हूँ वहाँ जाकर, लाइटनिंग थोड़ी सी कम होगी होगी, बट थोड़ा सा याद देख लेना प्लीज़, क्योंकि कभी कभी बोल के दिखा कुछ। हेलो मैम, ओ ओ ओ ओ ओ।